अमरावती शहरातील प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व, कुशल संघटक, प्रसिद्ध समाजसेवक, काँग्रेसचे नेते राजेंद्र लुणावत यांचं शनिवारी सकाळी 10:15 दुःखद निधन झालं. राजेंद्र लुणावत यांनी विविध 48 संघटनांचं नेतृत्व केलं. राजेंद्र लुणावत यांचा जन्म वर्ध्यात झाला, मात्र त्यांची कर्मभूमी ही अंबानगरी राहिली. जिल्ह्यामध्ये कुशल संघटक, समाजसेवी व काँग्रेसचे नेता म्हणून प्रसिद्ध असलेले राजेंद्र लुणावत यांचं शनिवारी सकाळी दुःखद निधन झालं. ते 73 वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनाची वार्ता कळताच त्यांच्या अंतिम दर्शनार्थ नागरिकांनी रांगा लावल्या. श्रीकृष्ण पेठ येथील त्यांच्या निवासस्थानी नागरिकांनी एकच गर्दी केली. प्रत्येक संघटनेमधील त्यांचा कार्यकाल हा अविस्मरणीय राहिला. त्यांच्या निधनाने सर्वत्र शोककळा पसरली आहे. राजेंद्र लुणावत यांचा 29 डिसेंबर 1945 रोजी वर्धा येथे जन्म झाला. वर्ध्याचे मूल निवासी असलेले राजेंद्रजी यांच्यावर महात्मा गांधी, खादी व स्वदेशीचा विशेष प्रभाव होता. नुकतंच त्यांना ओसवाल संघाच्या वतीनं लाईफ टाईम अचीवमेंट पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं होतं. राह संघर्ष की जो चलता है, जमाना वही तो बदलता है, जिसने जंग जीती अंधेरी रात में, सूरज बनकर भी वही निकलता है. ऐसे ही सूरज बनकर अपने कर्म, परिश्रम, सेवा व समर्पण रूपी किरणों से, व्यक्तित्व की आभा से, ज्ञान बुद्धि व विवेक के तेज से, देश, राज्य, शहर व समाज रूपी आंगन को जगमगाने वाले, बरगद समान छांव देने वाले, हर कदम पर मार्गदर्शन करने वाले इस व्यक्तित्व से हमारा जैन समाज सदा से ही लाभान्वित होता रहा है. ये हमारे समाज रूपी सागर के वो रत्न हैं जिन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, पत्रकारिता, शैक्षणिक, व्यवसायिकता, चिकित्सा, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो इनसे अछूता रहा हो. इन्होंने हर क्षेत्र में अपने कर्तव्य की, अपने सेवा की, अपने समर्पण की छांव इन प्रत्येक क्षेत्र में इन्होंने दी है. 29 दिसंबर 1945 को श्रीमान कुंदन मलसा के घर में ये सितारा चमका. आरंभिक जीवन वर्धा में व्यतीत होने से महात्मा गांधी व विनोबा भावे के सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या जैसे विचारों से बेहद प्रभावित इन्होंने 1962 में सेवा के भाव से कांग्रेस में प्रवेश किया. 1973 में अमरावती में स्थानांतरित होने पर कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य, कोषाध्यक्ष, सचिव इत्यादि पदों का कार्यभार संभाला. समाज सेवा के लिए JCI व लायंस क्लब, अमरावती चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, महाराष्ट्र आउटडोर एडवर्टाइजमेंट एसोसिएशन तथा अभिनंदन अर्बन कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक महाराष्ट्र के संस्थापक व अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया. लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूती प्रदान करने हेतु प्रेस क्लब के सचिव पद को संभाला. श्री ब्रिजलाल बियाणी शिक्षण समिति के अध्यक्ष, जैन शिक्षण समिति के कोषाध्यक्ष रहे व देवराज बोथरा प्राइमरी स्कूल की स्थापना की. संगीत खेल के साथ कृषि क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा. वर्तमान में वे राजस्थानी हितकारक मंडल, श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, हिंदी विकास परिषद, अमरावती तहसील सहकाली गृह तारण संस्था मर्यादित के अध्यक्ष, इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव तथा कई सामाजिक व्यवसायिक संस्थाओं के संचालक व कोषाध्यक्ष रहे. साप्ताहिक RK समाचार व मासिक अमरावती ओसवाल दर्पण के संपादक होने के साथ ही अपने व्यवसाय RK ट्रेडर्स, इंडियन ऑयल डीलर्स तथा RK एंड कंपनी एडवर्टाइजिंग को संभालते हुए समाज की सेवा में रत अपने नाम को सार्थक करते हुए जिन्होंने सामान्य जनों के हित में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया, ऐसी ही हस्ती के नाम के ऐसी ही हस्ती के नाम के तालियों की करते थे. सादर मैं प्रकाश चंद्र सर कोठारी से निवेदन करती हूँ कि वे समाज गौरव, समाज रत्न, सहज सरल व सेवा भावी आदरणीय साहब को नाम बाबू लुनावत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्री राजेंद्र जी लुनावत. Thank you.
बहुत बधाई राजेंद्र जी नुनावत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में ओसवाल संघ की ओर से एक ट्रॉफी, शाल और 21,000 रुपये नगद यहाँ पर राजेंद्र जी लुनावत को लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में दिए जाते हैं। ओसवाल संघ का पहला प्रयास हमारे समाज के सेवाभावी उद्योगरत बिजनेसमैन और जिस भी क्षेत्र में अग्रणी हो, समाज का नाम समाज के बाहर जाके जो रोशन करते हो, आप भी आगे आने वाले समय के लिए हमें सुझाव दे सकते हैं। ऐसा ही प्रयास हमारा लगातार रहेगा ताकि समाज का नाम बाहर रोशन हो और लोगों को हमारे समाज से प्रेरणा मिले ताकि हमारा समाज नई ऊंचाइयां और छुए। आज ओसवाल संघ, जिसकी निर्मिति 1996 में हमारे कुछ भाइयों के साथ मिलकर हमने की थी, जिसका आज विशाल रूप देख के बड़ा ही मन प्रफुल्लित होता है। आज बच्चों का परफॉर्मेंस, महिलाओं का एंकरिंग, युवाओं का नया ऊर्जा के साथ में नए कार्यक्रम, हमारे दो विशेष उद्यमी और सेवाभावी जिनका यहाँ स्वागत पहले किया, उन सब का अभिनंदन करते हुए आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ओसवाल संघ और सब समाज के हिसाब से काफ़ी आगे बढ़ रहा है, इसी तरह वे बढ़ता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की इस जो राशि इस पुरस्कार के साथ में हमें दी है, वो राशि हम ओसवाल संघ को निश्चित ही उसके अच्छे कार्यों के लिए वापस लौटाना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि वे राशि वापस हमारे से लेकर इसमें 21,000 उन्होंने जो दिए हैं उसमें 25,000 करके मैं राशि ओसवाल संघ को वापस लौटाता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार राजेंद्र जी लुनावत का, हमारे यहाँ इस प्रयास को उन्होंने स्वीकार किया, हमारा ओसवाल संघ का यहाँ पे अवार्ड स्वीकार किया, सभी का बहुत बहुत आभार। आरके समाचार नामक पाक्षिकाचे ते संपादक होते। राजेंद्र लुणावत यांनी श्री ओसवाल संघाची स्थापना केली आहे। श्री ओसवाल संघाचे संस्थापक अध्यक्ष ते होते, तसेच श्री वर्धमान जैन श्रावक संघाचे ते माजी अध्यक्ष होते। भारतीय जेसिसचे अखिल भारतीय उपाध्यक्ष, बियाणी शिक्षण समितीचे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, हिंदी प्रचार समितीचे अध्यक्ष, अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्सचे संस्थापक सदस्य, अध्यक्ष, अमरावती गौरक्षण संस्थेचे सदस्य, रेड क्रॉस सोसायटीचे सचिव, जैन शिक्षण समितीचे कोषाध्यक्ष, सचिव, अभिनंदन बँकेचे संस्थापक सदस्य, राजस्थानी हितकारक मंडळाचे अध्यक्ष, जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष, जैन कॉन्फरन्स ऑल इंडियाचे सदस्य, महाराष्ट्र विज्ञापन असोसिएशनचे अध्यक्ष, वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघाचे अध्यक्ष, जैन सेवा ट्रस्टचे सदस्य, धन्वंतरी रुग्णालयाचे ते संचालक होते, कॅन्सर रुग्णालयाचे अध्यक्ष, अशा विविध 48 संघटनांमध्ये राजेंद्र लुणावत यांनी काम केलं। त्यांच्या कामाची परिणिती म्हणजे या संघटनांचा विस्तार झाला, त्यांचं उत्कृष्ट प्रदर्शन नेहमीच राहिलं। समाजसेवक राजेंद्र लुणावत यांनी सामाजिक कार्यात तर भरपूर योगदान दिलंच, शिवाय त्यांनी एका चित्रपटात पाहुणे कलाकार म्हणूनही भूमिका निभावली होती। मला सांग, या चित्रपटात त्यांनी न्यायाधीशाची भूमिका साकारली। खुनाच्या खटल्यात सुनावणी करणारे न्यायाधीश याची भूमिका राजेंद्र लुणावत यांनी साकारली। चेतन कुरळकर निर्देशित या चित्रपटाचं शूटिंग डॉक्टर बेलसरे यांच्या रुग्णालयात करण्यात आलं। 29 मे रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित झालाय। मजबुरी आहे साहेब। रणदिवे, तुम्हाला चांगला वाटतोय याचा धंदा? नाही सर, अशांना तर समाधानी झोडून करायला पाहिजे। मग पाहताय काय? राजेंद्र लुणावत यांनी अमरावती मध्ये आपलं काम सुरू केलं, ते एक पेट्रोलियम व्यावसायिक म्हणून। पेट्रोल पंप, जाहिराती, पत्रकारितेच्या क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या राजेंद्र लुणावत यांनी विविध सामाजिक व शैक्षणिक संघटनांच्या महत्त्वपूर्ण पदांवर काम केलं। कर्तव्य दक्षतेनं
अमिट छाप सोडली. बियाणे कॉलेजचे ते अध्यक्ष राहिले, सचिवही तसंच कोषाध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी केलेलं काम अविस्मरणीय आहे. त्यांना एक मुलगा व 3 मुली आहे. मुलगा गौरव व मुलगी मनीषा, दुसरी रिषा व तिसरी नीती यांच्यासह ते श्रीकृष्ण पेठ मध्ये राहत. राजेंद्र लुणावत यांचा मुलगा गौरव हा विधितज्ञ आहे. ते देखील आपल्या पित्याच्या आदर्शानुसार त्यांच्या मार्गदर्शनात काम करतात. मुलगी रिषा रायपूर मध्ये, मनीषा मंसूर मध्ये, तर नीती ऑस्ट्रेलिया मध्ये डॉक्टर आहेत. तर त्यांचे तीनही जावई देखील डॉक्टर आहेत. राजेंद्र लुणावत यांनी आपलं पूर्ण जीवन सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात घालवलं. आतापर्यंत अनेक पुरस्कार राजेंद्र लुणावत यांना मिळाले आहेत. गेल्या 3 महिन्यांपासून ते आजारी होते. त्यांच्यावर डॉक्टर रोहित चोरडिया व डॉक्टर रवींद्र चोरडिया उपचार करत होते. अचानक शनिवारी सकाळी त्यांची तब्येत बिघडली. शनिवारी सकाळी 10:15 राजेंद्र लुणावत यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनाची बातमी मिळताच शेकडो मान्यवर आप्तस्वकीय नागरिक त्यांच्या दर्शनार्थ पोहोचत आहेत. दिवसभर श्रीकृष्ण पेठ येथील त्यांच्या निवासस्थानी अंतिम दर्शनार्थ नागरिक गर्दी करत आहेत, मान्यवर गर्दी करत आहेत. राज का दिन बड़ा ही काला दिवस है कि हमारे सबके चाहते हर दिल अजीज राजन बाबू लुणावत, जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा जोड़ने का काम किया है. तोड़ने की कभी बात भी नहीं सोचते थे. वो जब भी कुछ बिखराव आता था तो वो सबको लेके शामिल करते थे, जोड़ते थे. ऐसा व्यक्तित्व का जो आज दुखद निधन हुआ है, यह सिर्फ जैन समाज का ही नहीं परंतु पूरे अमरावती वासियों का लिए एक बहुत बड़ी दुख की बात है. और राजस्थानी, पूर्ण राजस्थानी समाज, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, जैन समाज से वे बिल्कुल सगे के तरह जुड़े हुए थे. ऐसे व्यक्तित्व को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें, उनके आत्मा को चिर शांति प्रदान करें. हमारे समाज के वरिष्ठ जीवनमान जैन सदस्य के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र जी लुणावत, करीबन अमरावती के अंतर्गत ऐसी कोई संस्थाएं नहीं थी जिससे वो जुड़े हुए नहीं थे और सब संस्थाओं में तन मन और धन से कार्य करते थे. किसी भी संस्था, करीबन वो 36 संस्थाओं में पदाधिकारी रहे, लेकिन हर संस्था में बड़ी धीरज धैर्य के साथ कार्य करते थे और सभी को साथ में लेकर कार्य करते थे. आज हमारे लिए बड़ी विडंबना की बात है कि वो हमारे बीच से बिछुड़ गए हैं. परम प्रभु प्रभात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा को शांति प्रदान करे और लुणावत परिवार एवं गौरव, उनके चिरंजीव गौरव के जो दुखद निधन से आघात पहुँचा है उसे भगवान सहन करने की शक्ति दे, ये भी विनम्र प्रार्थना. मैं रामेश्वर गग्गर, आज सुबह 10 बजे के आसपास राजेंद्र जी कुंदनमल जी लुणावत का स्वर्गवास हुआ, ये जानकर बहुत दुख हुआ. राजस्थानी हितकारक मंडल के आप मेरे साथ में अध्यक्ष पद पर थे, मैं उनके साथ में सचिव पद पर पिछले 15 वर्ष से काम कर रहा हूँ. इनके निधन पर निश्चित ही राजस्थानी समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई है, जो समाज इसको पूरा नहीं कर सकता. मैं राजस्थानी समाज की ओर से आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके सुपुत्र गौरव को ये उस परिवार पे जो पहाड़ टूटा है उसको सहन करने की भगवान ईश्वर उनको शक्ति दे. राजेंद्र बाबू लुणावत अमरावती चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेकर अनेकानेक सामाजिक संस्थाओं से जिनका बड़ा अभिन्न संबंध और संस्थापक सदस्यों में से और कार्यकर्ताओं में से अग्रगणी नाम रहा हुआ है. अमरावती की प्रसिद्ध संस्था ब्रजलाल बियाणी शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद, कोषाध्यक्ष पद और सचिव पद को घोषित करते हुए संस्था के विकास में, उत्कर्ष में उनका अग्रक्रम है, ऐसी मेरी मान्यता है. अमरावती की प्रसिद्ध राजस्थानी हितकारक मंडल, जैन शिक्षा समिति, जैन हॉस्टल जो संपूर्ण महाराष्ट्र में प्रवृत्ति में प्रगतिशील संस्था के रूप में रहा हुआ है, अभिनंदन बैंक उसके संस्थापक अध्यक्षों का मान सम्माननीय राजेंद्र बाबू के व्यक्तित्व के साथ में जुड़ा हुआ है, अनेकानेक संस्थाओं से संबंध, अमरावती कांग्रेस के सक्रिय सदस्य के रूप में
सम्माननीय श्री देवराज जी बोथरा के नेतृत्व में बड़े सम्मानित उपाध्यक्ष तक का उन्होंने कार्यकाल अपने यशस्वीता और गौरवगाथा के साथ में जोड़ा। इसी प्रकार अनेकानेक संस्थाओं से, शिक्षाओं से, अमरावती का अमलपुरा स्थित कैंसर हॉस्पिटल, अमरावती का धन्वंतरी हॉस्पिटल, संगीत कलोपासक सभा, अमरावती गोरक्षण संस्था, ऐसी जितनी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं उनका बड़ा सम्मानजनक काम करने का उत्तरदायित्व उन्होंने बड़े सफलता के साथ में वहन किया। उनका चला जाना अमरावती जगत की एक सामाजिक क्षति है, ऐसा मैं मानता हूँ। माजी आमदार रावसाहेब शेखावत, विनोद सामरा, विजय बोथरा, प्रोफेसर विठ्ठल दास मोहता, अमरावती मंडल से संपादक अनिल अग्रवाल, डॉक्टर एन एन मुरके, मनोहर लाल भूत, संजय ककरानिया, देवदत्त शर्मा, रामेश्वर गग्गड़, राजन आड़तिया, कोमल बोथरा, अमृत मुथा, अशोक बोकरिया, तजम्मुल हसनजी, हुजेफा हसनजी, सुरेंद्र चोरडिया, एडवोकेट यज्ञेश शर्मा, प्रमोद मुणोत, डॉक्टर चंदू सोजतिया, त्रिदीप वानखड़े, चेतन कोटेजा, सिद्धार्थ बोथरा, विजय बोथरा, शीतल लुणावत, अनिल कोठारी, आदित्य कोठारी, सुदर्शन चोरडिया, संकेत चोरडिया, रमेश साबद्रा, सुरेश साबद्रा, प्रकाशचंद्र लुणावत, स्वरूपचंद लुणावत, स्वरूपचंद चावला, दुर्गेश बुच्चा, मदन सामरा, प्रेमचंद लुणावत, निलेश लाठिया यांच्यासह असंख्य मान्यवर राजेंद्र लुणावत यांच्या दर्शनार्थ पोहोचले। त्यांच्यावर हिंदू स्मशानभूमी येथे सायंकाळी अंत्यसंस्कार करण्यात येत आहेत। राजेंद्र लुणावत यांना सिटी न्यूज चॅनेल परिवारातर्फे भावपूर्ण आदरांजली। राजेंद्र बाबू लुणावत जे आपल्या अमरावतीमधून अनेक सामाजिक संस्थांशी जुडलेले होते आणि ज्या ज्या संस्थेमध्ये होते त्या त्या संस्थेमध्ये त्यांनी त्या संस्थेच्या उत्कर्षाकरता न्याय केलेला आहे। अभिनंदन बँकेचे पूर्व अध्यक्ष होते आणि अभिनंदन बँकेच्या उत्कर्षामध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा होता। मी त्यांना भारतीय संघटना आणि अभिनंदन बँक परिवार यांच्यातर्फे त्यांना श्रद्धांजली वाहतो। श्री राजेंद्र बाबूजी लुणावत यांचं आज दुःखद निधन झालं आहे। ते त्यांचं या शहरासाठी खूप योगदान होतं। त्यांनी सामाजिक कार्यात आपलं जीवन त्यांनी अर्पित केलेलं आहे। आज त्यांचं जे दुःखद निधन झालेलं आहे त्यांच्या या निधनात आम्ही सगळ्यांना सामील आहे। त्यांच्या आत्म्यास श्रद्धांजली आम्ही अर्पण करतो। त्यांना आत्म्यास सद्गती लागू अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। लुणावत हे एक व्यक्तिमत्व समाजसेवेशी जुडलं असलेलं व्यक्तिमत्व होतं। त्यांना समाजसेवेची मुळात आवड होती। त्यांच्या निधनामुळं अमरावतीकर सगळे व्यापारी आणि राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व मंडळीला दुःख झालं। त्यांच्या आत्म्यास शांती मिळो अशी ईश्वराच्या चरणी प्रार्थना करतो आणि त्या कुटुंबावर जो दुःखाचा डोंगर कोसळला ते दुःख सहन करण्याची परमेश्वर त्यांना शक्ती प्रदान करतो। आमच्या वतीनं, महापालिकेच्या कर्मचारी संघटनेच्या वतीनं भावपूर्ण श्रद्धांजली त्यांना अर्पण करतो। सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वाची कामगिरी बजावलेले समाजसेवक श्री राजेंद्रबाबू लुणावत यांचा दुःख निधन झालं। त्यांनी अमरावतीच्या सर्व क्षेत्रामध्ये अत्यंत महत्त्वाचं कामगिरी पार पाडली होती। त्यांच्या जाण्याने या सर्व क्षेत्राची फार मोठी हानी झाली आहे। मी माझ्या वतीने आणि अमरावती महानगरपालिकेच्या वतीने त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करतो।